ब्रेक हो गया था, आप लोग सभी कनेक्शन में हैं, ठीक है। 1 2 3, ओके, थ्री पीपल्स आर कनेक्टेड, टोटल वी हैव द 4, ओके। सो यहाँ पे हम बात करते हैं एक मॉडल बनाने की, ठीक है। तो आप कोई सा भी एक मॉडल ले लीजिए, अगर इसी मॉडल की मैं बात करता हूँ तो इस मॉडल को मैं एक बार बना तो बहुत इजी तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। कुछ फालतू की मेरे को एडिटिंग नहीं करनी है, ठीक है। सीधी सिंपल चीजों को मेरे को याद रखना है और करना है। कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बेसमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप एक वॉल क्रिएट करो। यहाँ पे अगर हम देखो, नॉर्मल ये क्या था, मेन गेट है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका एक, ठीक है, विंडो है जो कि बहुत फुल है, फुल ग्लास में है, देन उसके बाद विंडो है, देन ये है। सो अगर इस टाइप के मॉडलिंग की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दो चीजें होती है कि एक तो आप कस्टमाइज में जाइएगा, देन यूनिट सेटअप। यहाँ पे आप क्या यूनिट यूज करना चाहते हो? हम तो यूज करते हैं या तो इंचीज यूज करते हैं या फिट यूज करते हैं, ठीक है, इंचीज या फिट यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, विंडो में जाना है। आफ्टर दैट विंडो में जाने के बाद यूनिट सेटअप, सिस्टम यूनिट सेटअप में आइएगा। 1 unit is equal to 1 inch, okay? Then you can okay. After that US standard, आपको क्या करना है, US standard पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं आपके, डेसिमल एंड आपका फ्रैक्शनल, okay? So हम फ्रैक्शनल तो क्या करता है, पॉइंट्स में चला जाएगा, बट डेसिमल फिट्स अगर आप करोगे या डेसिमल इंचेस आप करोगे तो वो इंचेस में जाता है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल फिट्स रखते हैं, देन यहाँ से ओके करते हैं। ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ, देखिएगा। यहाँ से एक बॉक्स बनाया मैंने, देन उसके बाद मूव टूल पे क्लिक किया, डब्ल्यू प्रॉपर्टी में आया। यहाँ पे देखिएगा आपको फिट्स में नजर आ रहा है, ठीक है, 2 feet, आपको 8 feet एंड आपका 2 feet, ओके। नॉर्मल अगर हम कोई भी एक मॉडल बनाते हैं, आप एक सिंपल सा शेप बनाइएगा, देन उसके बाद आपका टोटल मॉडल रेडी होता चला जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा, इसको आप पिक करेंगे, ठीक है। मैं ये वाला बनाना चाहता हूँ, पहले मैंने ऐसे एक नॉर्मल विंडो बनाया, इसका विड्थ जो मोटाई है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेंथ जो है हमारा, देखिएगा लेंथ कौन सा है आपका, ये वाला लेंथ है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिएगा, अगर आप यहाँ पे 9 inch का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है, 9 inch का सिंबल लगा देते हैं, यहाँ पे इंच का सिंबल लगा दिया, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो 0.75, इट्स योर 9 inch वॉल, ओके, आपका इंचेस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, ये 0.75 feet हो गया, यानी कि 9 inch का मतलब पौना फिट हो गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से मेरा यहाँ पे आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसको 5 feet का भी लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे कुछ जगह है, यहाँ पे कुछ जगह है। ये क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, एक आपके पास कैड प्लान होता है, एक आपके पास नॉर्मल कोई दे देता है। तो मैं एक नॉर्मल फ्री हैंड आपको बता रहा हूँ कि किसको किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। हाइट हम फॉर एग्जाम्पल इसका रख लेते हैं, ठीक है, 11 feet रख लेते हैं स्टार्टिंग का बेस का, ठीक है, ये हमारे पास 11 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आप इसका विड्थ जो है, विड्थ को फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 feet कर दिया, ठीक है, ये मैंने 10 कर दिया, ठीक है, 10 कर दो, थोड़ा और ज्यादा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे 5 feet का ये निकल जाएगा, कुछ हिस्सा 3 feet के समथिंग ये है, 1 feet के समथिंग ये है, 5, 3, 8, ठीक है, 11 के समथिंग करो, 11 या 12, ठीक है, तो यू शुड गिव द 12, ओके, ये मैंने एक ऑप्शन दे दिया, ओके, जे इज इक्वल टू क्या होता है, ऑल डब्ल्यू से बड़ा कर दिया। अगर आपको देखो, मैं दो तरीके से कीबोर्ड चलाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पेस बार से भी काम करता हूँ मैं, और ऑल डब्ल्यू से काम करता हूँ। डिफॉल्ट जो शॉर्टकट की होता है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, ऑल्ट डब्ल्यू, और अगर आपको, क्योंकि मैं माया भी यूज करता हूँ, तो मैं बार बार स्पेस बार से काम करता हूँ, तो मैं इसका स्क्रिप्ट भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका कभी भी, आप किसी भी शॉर्टकट की चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, कभी भी किसी भी टाइम का आप शॉर्टकट की चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन, यूआई सेटअप, कस्टमाइज यूजर इंटरफेस, ठीक है, कस्टमाइज यूजर इंटरफेस में जाओ। अगर आपको किसी को कीबोर्ड चेंज करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका कीबोर्ड चेंज कर सकते हो, शॉर्टकट की चेंज कर सकते हो। तो अभी ये ओपन हो रहा है, क्योंकि एक वन टाइम लोड करता है। अब यहाँ पे देखो, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज का कीवर्ड सर्च करो आप, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज मिल जाएगा आपको,
मैक्सिमाइज व्यू पॉट एंड मिनिमाइज व्यू पॉट, ये रहा देखो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आप हॉटकी डाल सकते हो, यहाँ पे ऑल्ट प्लस डब्ल्यू तो है ही, आप स्पेस बार पे एक बार क्लिक करें, स्पेस बार आ गया, असाइन कर दें, देन सेव कर दें, अब आपका ये सेव हो जाएगा, आप एक बार सेव कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, ये सेव हो गया आपका, ठीक है, ये देखिएगा हो गया आपका, स्पेस बार से भी काम करता है आपका, जिस भी व्यू पॉट पे ले जाओगे आपके लिए इजी हो जाएगा, तो आप कभी भी हॉटकी चेंज कर सकते हो, ऑल्ट डब्ल्यू भी आपका सेम काम करेगा, ठीक है। जे इजल टू यहाँ पे देखिएगा, ये आउटलाइन दिख रहा है, जे इजल टू होता है आपका जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर को दिखाता है कितना आपको शो करना है, ठीक है। एफ फोर वायरफ्रेम सॉइल्ड हाइट, एफ थ्री ठीक है वायरफ्रेम एंड द शेड मोड, ओके। तो ये चीज मैंने बनाया, अब मुझे क्या करना है, दूसरा वॉल बनाना है, ठीक है, मान लो मेरे को दूसरा वॉल बनाना है, तो दूसरा वॉल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है, ये बेसिकली आपको कहाँ काम करेगा, ये सबसे ज्यादा काम आता है आपका कैड के रिलेटेड में, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका स्नैपिंग, ओके स्नैप, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं। अब आप मान लो इसी का हाइट का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, सो नथिंग यू कैन डू, ओनली आपने क्या करना है, यहां से यहां तक आपने एक हाइट दे दी, ठीक है। हाइट देने के बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उतना ही रेडी हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, डब्ल्यू प्रेस करें, ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ यहाँ पे जो अमाउंट है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेंथ कौन सा आ रहा है, देखो ये लेंथ आ रहा है, लेंथ हमें ये नहीं चाहिए, ये मेरा विड्थ आ रहा है, ठीक है, तो विड्थ हमें चेंज करना है 0.75, जैसे एंटर किया तो ये आ जाएगा। उसके बाद एस मैंने प्रेस कर रखा है, इस पॉइंट को पिक करें और इसके टच में रख लें आप, तो आपका एकदम डिट्टो कॉपी होके आ जाएगा, ये देखिएगा आपका बिल्कुल वॉल एकदम परफेक्ट, जो कॉर्नर होना चाहिए वो कॉर्नर, इन साइड में अगर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन अगर आपको फिर भी इनसाइड में रखना है, कई बार क्या होता है कि बोलते हैं कि अपने वो फिल करना है, ठीक है, इंटीरियर के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पिक करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को पिक करेंगे और कौन से वाले पे रखेंगे, इस वाले पे रखेंगे। सो नाउ अभी आपको देखो दोनों चीजें अलग अलग है, क्या है, एस हटा दिया मैंने, यहाँ पे दोनों कलर अलग अलग है, अगर मैं दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सेम कलर फिल कर दिया मैंने दोनों का, अब आप बता नहीं सकते ज्वाइंट है या अनज्वाइंट है, ये देखो बोल नहीं सकते कि इसमें कहाँ पे कोई मिस्टेक है, बिकॉज ऑफ दोनों का सेम चीज है आप, ठीक है, तो आपको एडिटेबल पॉली करने से उतना काम नहीं करना है, ठीक है, आप एक बार एडजस्ट करिएगा, देन उसके बाद आप प्रॉपर वर्किंग करेंगे, तो इट्स वेरी सिंपल, ओके। सो नाउ अब हमें क्या करना है, इसका जो लेंथ है देखो, ठीक है, इसका जो लेंथ है किसका, ये वाला जो लेंथ है, इससे बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका लेंथ को, अब लेंथ को क्या करते हैं, एफ फोर किया, नाउ मेरा वर्क प्रॉपर है, ठीक है, कन्वर्ट इन टू द पॉली, ओके, एडिटेबल पॉली पे किया, नाउ कम टू इन लेफ्ट व्यू, ओके, प्रेस ऑन वन, व्हाट इज द 1, 2, 3, 4, 5, ओके, सो 1 इज इक्वल टू माय वर्टेक्स, 2 इज इक्वल टू माय एज, 3 इज इक्वल टू माय बॉर्डर, 4 इज इक्वल टू पॉलीगन एंड 5 इज इक्वल टू एलिमेंट, ओके, साउंड एक्चुअली नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मैं कुछ पूछ नहीं पाऊंगा, सो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या होता है, देखो वर्टेक्स मीन्स आपका जब दो एजेस मिलते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बनता है, ठीक है, वर्टेक्स, ये देखो, यानी कि जॉइंट करने का एक फंडामेंटल है पोली को, ये पोली होता है, अगर यहां से कोई बीच में लाइन है तो दैट इज अ कॉल्ड बाय ट्राइंगल, पैच, मैश, समथिंग डिफरेंट विल बी कमिंग, ओके। तो अभी रिसेंटली हम सारा काम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, पोली में काम करते हैं, एंड व्हाट अबाउट द एज, एज हमारा ये होता है कि हमारा जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है वो एज होता है, बॉर्डर, बॉर्डर कब होता है, जब हम किसी पार्ट को खाली कर देते हैं, यानी कि मैं इस हिस्से को अगर डिलीट कर देता हूं, ये मेरा पॉलीगन है, देन प्रेस ऑन 3, सो यहाँ पे देखिएगा ये है मेरा बॉर्डर, ओके, सो बॉर्डर की खाली जगह होनी चाहिए, ठीक है, तो मैंने खाली जगह को फिर से फिल कर दिया, दिस इज माय एलिमेंट, एलिमेंट योर टोटल वर्क, ठीक है, टोटल योर वर्किंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि आपका जो एक सेपरेट वर्क ऑब्जेक्ट है वो कितना है, ये देखिएगा, सो ये क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा स्ट्रेच मारना है, सिलेक्ट करें, साइड व्यू में आए, ठीक है, इसको क्या करें, हम थोड़ा सा फैला देते हैं, दैट्स इट, ओके, ये हमने कर दिया, तो यहाँ से क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट निकल जाएगा ये वाला, अब मुझे ऐसा लगा इसके अकॉर्डिंग ये वाले को भी थोड़ा सा यूज करना चाहिए, नाउ सिलेक्ट दिस वन, ओके, नाउ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट व्यू में आएंगे, ठीक है, देन प्रेस ऑन वन, ओके, सिलेक्ट दिस पार्ट, ओके, देन मूव टू, आप किसी भी व्यू में आप काम करिएगा, ये देखिएगा अप्रोक्सीमेटली इतना होना चाहिए, तो इससे क्या है, हमारा एक लेंथ बन जाएगा, ओके, ये एक फ्री हैंड वर्क है आपका, ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, देखो बाहर का एक बार बेस बना लो आप, तो इट्स कमिंग प्रॉपरली, ठीक है, देन उसके बाद देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है, सो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको पकड़िएगा, शिफ्ट के साथ मैंने क्या किया, कॉपी किया इसको,
ओके देन यहां से नॉट ए इंस्टेंस, व्हाट अबाउट द इंस्टेंस एंड कॉपी? कॉपी मींस अगर आप इस वाले ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज करते हैं तो प्रीवियस वाले ऑब्जेक्ट में नथिंग चेंज, बट इंस्टेंस मींस क्लोन। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो इसमें 101% आपका चेंजिंग होगा। सो मैं क्या चाहता हूँ, कॉपी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। ओके नाउ क्या करना चाहिए हमें, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है एस प्रेस करिएगा। ओके एस प्रेस कर दिए, ये वाला पॉइंट पिक करके हमने क्या करना है, इसके यहां पे रख दिया। ओके सो इट्स कवर्ड फुल्ली, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे। नाउ अगेन प्रेस, नाउ सी व्हेन आई एफ4 नथिंग विल बी शोइंग। एक प्रॉपर आपको एक कॉर्नर नजर आएगा, ये देखिएगा, ठीक है, ये देखिएगा। हम वन, ये हमारी ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग 11 है पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो इसको, प्रॉपर है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है, बैक साइड में और वॉल है आपका, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, फिर भी अप्रोक्सीमेटली हम इसका क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर दिया। अब आप बोलेंगे हमने तो आपने बोला था कि आप पर्सपेक्टिव यूज नहीं कर सकते। हाँ आप कॉपी वगैरह करने के लिए आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पिक करना है, इस पॉइंट को पिक किया आपने एंड मूव कराओ इस वाले के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा आपका एक बेस बनता हुआ आ रहा है बहुत इजी तरीके से। इससे क्या होता है, बिल्कुल एकदम स्नैप टू ग्रिड आप करके चलेंगे तो आपका प्रॉपर ऑब्जेक्ट यूटिलाइज होता हुआ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए क्या है, देखो यहाँ पे आप देखिएगा क्या है, बिल्कुल बेसमेंट में क्या है, बिल्कुल आर पार कटा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पे सिर्फ टॉप से कुछ छूटा हुआ, यानी कि 6 इंच के समथिंग वो बॉर्डर हम छोड़ते हैं। ओके 6 इंच के समथिंग हमें छोड़ना पड़ता है ये सारी चीजों के लिए। इसके लेवल में आपका ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये ऊपर की ओर नीचे आ रखा है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर है, तो ये चीज भी हम देखेंगे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। बट बिफोर दैट वन यू शुड मेक द, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू में आ जाइएगा, ये हमारा फ्रंट व्यू है। ओके मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ से। मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस किया, ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा, टॉप व्यू में आ जाते हैं। आने के बाद क्या करते हैं, हम आर प्रेस करके इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कोई यूजलेस है, इसका हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हम इसको कुछ तरह की यूज के लिए यूज कर रहे हैं इसको, जिससे हम फटाफट इसमें ड्रॉइंग कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये लिया, अब देखिएगा क्या हो रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, राइट, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक है आपका, ठीक है, क्या है, फुली ब्लैंक है। तो हम क्या करते हैं, इसको आर प्रेस करके और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा कर दिया। ओके आफ्टर 10 मिनट्स अगेन आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज एक सेशन आपको 40 मिनट्स का होता है, मोर देन 2 or 3 पीपल्स, ठीक है। मैंने ये किया, इसको थोड़ा सा और आगे लेंगे हम, ये लिया हमने, ठीक है, इसकी हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट निकाल के रख दिया हमने, ठीक है, ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हो। अब आपको क्या करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है, इसको क्या करें, एक इसकी और एक बार डुप्लीकेट ले लो आप, ठीक है, इसकी और डुप्लीकेट ले लिया हमने, प्रेस करो, इसका 2 कॉपी रखना है, 2 का रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। ये हमने दोनों एग्जैक्टली रख दिए, इसको और ये दोनों अलग अलग है, राइट, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं जब कटिंग करूंगा तो दोनों अलग अलग चाहिए, बिकॉज आई एम यूजिंग द बुलियन टूल। ओके तो आराम से आपका क्वाड पॉली में कट जाता है, सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड की जगह हम कंपाउंड ऑब्जेक्ट, देन प्रो बुलियन, नॉट यूजिंग द बुलियन, प्रो बुलियन, सो स्टार्ट पिक द ऑब्जेक्ट। ओके नाउ नो प्रॉब्लम, नाउ डब्ल्यू प्रेस, सिलेक्ट दिस वन, अगेन प्रो बुलियन, स्टार्ट पिकिंग ऑब्जेक्ट, देन दिस वन शुड गिव। ओके सो ऑटोमेटिकली योर्स डिडक्ट, ठीक है। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप F4 करेंगे, ठीक है, F4 करिएगा, कहीं भी आपको ट्राइंगल नहीं बनेगा आपका, बिल्कुल एकदम प्रॉपर, हमें सिर्फ इतना ही काम करना है। ये देखो, अगर मैं इसको नॉर्मल करने जाता तो बहुत कुछ एडिटिंग करनी पड़ती मुझे, ठीक है, तो वो सारी चीजें छोड़ के मैंने क्या किया, फटाफट इसको ये चीज ड्रॉ कर दिया। ओके नाउ इसको सिलेक्ट किया टॉप व्यू में, ठीक है, यहाँ पे आप आ जाइएगा, F3 प्रेस कर दिया हमने, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमें एक वेरिएशन मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का कि हमें क्या करना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका एक और डुप्लीकेट ले लूंगा मैं। ओके ये डुप्लीकेट ले लिया, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नियर बाय रखेंगे। ओके नाउ सी एंड देन कम टू टॉप व्यू, ओके सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, अगेन प्रो बुलियन, स्टार्ट पिक द ऑब्जेक्ट, देन डिलीट इट, ओके डब्ल्यू प्रेस, कम टू हियर, ये देखेगा ऑटोमेटिकली कट जाएगा। हाँ इवन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें, राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करें, ओके देन प्रेस ऑन वन, सिलेक्ट दिस ऑप्शन। ओके अब आप, हेलो सर, यस, हेलो सर, हाँ बोलिए रमेश जी,
हेलो सर, प्रो बोलियन में और बोलियन में क्या फर्क है? प्रो बुलियन में क्या, प्रो बुलियन जो होता है वो आपका ट्राइंगल्स बनाएगा, आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्राइंगल बना के दे देगा, बट प्रो बुलियन कभी भी आपको ट्राइंगल नहीं बनाएगा। जो शेप आपने डिटेक्ट करी है उस शेप का एक आपको स्क्वायर दे देगा। आपको आपको पता है क्वाड्स ट्राइंगल क्या होते हैं? क्वाड क्या होता है? क्वाड एंड ट्राइंगल। सर क्वाड में नहीं सर, आपका, हाँ देखो दो चीजें होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से क्या करता हूँ, एक और बॉक्स ले लेता हूँ, ये लिया मैंने, इसको इसके इनसाइड में डाल दिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम आगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट माने बाद कंपाउंड ऑब्जेक्ट, देन यहां से आपका देखो प्रो बुलियन और बुलियन मैक्स, ठीक है, यहां पे बुलियन है, ठीक है। तो बुलियन पे मैंने क्लिक किया और यहां से क्या करता हूं, ऐड ऑब्जेक्ट करता हूं, ऑपरेशन ऐड करता हूं, ठीक है। ये वाला मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। अब यहां पे यूनियन है, इसको कर देते हैं हम इंटरसेक्ट, ठीक है। ये देखो इंटरसेक्ट में आपको ये आ रहा है, ठीक है, सबट्रैक्ट में आपका अपोजिट आ जाएगा, बट देखो ये अभी बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज है क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट में कहीं ट्राइंगल नहीं बन रहा, राइट, चलो ये ठीक आ रहा है। बट क्या है, अब प्रो बुलियन में क्या होता है, प्रो बुलियन का डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, आपको हर बार के लिए ऑब्जेक्ट को डिलीट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप इसको सिलेक्ट करिएगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे ले लिया, ये तीन ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ठीक है। अब इन तीन ऑब्जेक्ट को मेरे को क्या करना है, इसमें से तीनों को अलग अलग करना है। अगर मैं बुलियन करूंगा तो बार बार मेरे को वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे, इसको सिलेक्ट किया, एड ऑपरेशन, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, इसको क्लिक किया, ये यूनियन हो गया, फिर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये तीन सिलेक्ट कर लिया हमने, मान लो तीनों का रिलेशन क्या है, देखो इंटरसेक्शन करेंगे तो तीनों एक साथ जाएंगे, ठीक है। अगर हम अटैच मर्ज करेंगे तो तीनों एक साथ मर्ज होंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो इस तरीके से सबट्रैक्ट हो रहा है, फिर ये वाला नहीं हो रहा। और प्रो बुलियन में क्या होता है, आपका ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। कैसे, इसको सिलेक्ट करें, प्रो बुलियन, आपको क्या करना है, स्टार्ट पिक ऑब्जेक्ट, सबट्रैक्ट करना है, सबको एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, अपने आप सारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फटाफट, ये देखिएगा। तो एक ही पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट कट्स लगाने हैं तो आप प्रो बुलियन यूज करिएगा। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि अभी इसमें मैच नहीं बन रहा, ठीक है, उसमें ट्राइंगल 101% ट्राइंगल बनेगा जब आप फिर टू एडिटेबल पॉली करोगे। ओके, ये चीज ले लिया हमने, ठीक है। हम क्या करना है आपको, ठीक है, हाँ हम कहा थे, यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा लग रहा था, हमें वन प्रेस किया, ठीक है, वन प्रेस करने के बाद ये वाला सेगमेंट सिलेक्ट किया, F3 प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, काफी है इतना, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पूरा से इधर ले आएंगे, और हमारा क्या है, गैप आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रेडी किया। अब क्या करते हैं, हम टॉप व्यू में आते हैं, साइड वाले को भी बना लो, ठीक है, और आप क्या करो, एक प्लेन भी रेडी करके रखो, ठीक है। प्लेन से क्या होगा, आपका यहाँ से एक बेस मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऑटो सेलेक्ट को डिलीट कर दिया, स्टैंडर्ड प्लेन क्रिएट कर लीजिएगा, हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो आराम से, आपका उसके बेस में धीरे धीरे आपका डिफाइन होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कटिंग करनी है, ठीक है, आ जाते हैं, ठीक है, कंटिन्यू मारने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, आर प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको छोटा कर लिया हमने, ऑपर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये देखिएगा, ये क्या है, इससे नीचे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हाँ
यहां पे हम क्या करते हैं, दो स्क्वायर बना देते हैं, सेंटर कर दिया मैंने इसका, एक यहां पे रखा, एक यहां पे रखा, दो रखे, ओके कर दिए, यहां पे आ जाइए, देखो इसको दोनों आउट पा रहे बराबर, ठीक है, सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर से प्रोब बूलियन, ठीक है, स्टार्ट पिक द ऑब्जेक्ट, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रेडी किया, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टॉप व्यू में आओ, हाइट सिलेक्शन कर दिया हमने, ओके, अब यहां पे देखो क्या है, किस तरीके से ये बना हुआ है ये चीज, ठीक है, यहां पे पिलर भी है आपका, ठीक है, और ये देखो बहुत मोटाई टाइप में है ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बाद में इसको मोटा कर सकते हैं हम हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंदर तो आपका वही शेप रहेगा बट आउटसाइड आपको वही सारी चीजों को यूज करना है, ठीक है, तो प्रो बुलियन इसमें सबसे मस्ट है, आपको हर पार्ट के लिए प्रो बुलियन यूज करते हुए चलना है। अब हम क्या करते हैं, इसके ये बॉर्डर वाला पार्ट है ये बनाओ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में आ जाओ, ठीक है, बॉक्स में आ जाओ, एक बॉक्स बनाओ आप,